हेलो दोस्तों, कैसे हो? सर्दियां आ गई हैं, आनंद लीजिए मूंगफली रेवड़ी गजक का, धूप का। लेकिन कुछ दर्द हैं जो इस धूप में ही उभरेंगे अकेले बैठकर, कुछ खामोश से दर्द जो हमें सिर्फ खुद ही झेलने हैं। ऐसे ही कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने, खामोश दर्द। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिससे पता चले आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, कैसा पसंद करते हैं, क्या आपका टेस्ट है, क्या आपके व्यूज़ हैं मेरे बारे में। मैं कोशिश करूँगी और अच्छा लिखने की। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट यूट्यूब पर ज़रूर दीजिएगा। खामोश दर्द। कुछ खामोशियाँ यूँ ही बेवजह नहीं होती, कुछ खामोशियाँ यूँ ही बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द भी आवाज़ छीन लिया करते हैं। ये जो अपनों की मोहब्बत होती है ना, ये तमाम मोहब्बतों की माँ होती है। ये जो अपनों की मोहब्बत होती है वो तमाम मोहब्बतों की माँ होती है। अगर मोहब्बत नहीं होती तो लावारिस होते हम सब। आदत थी मेरी भी अपनों से हंस के बोलने की, आदत थी मेरी भी अपनों से हंस कर बोलने की। मेरा ये शौक़ कहीं मुझे बदनाम कर गया, इसलिए खामोशियों से दोस्ती सी हो गई मेरी, इसलिए खामोशियों से दोस्ती सी हो गई मेरी। डरती हूँ कहीं ये खामोशियाँ ना छीन ले मेरे अपने मुझसे, डरती हूँ कहीं ये खामोशियाँ ना छीन ले मेरे अपने मुझसे। कभी भी मैं अपना दर्द सबको ना बताती, क्योंकि जान गई हूँ सबके घर मरहम नहीं होते, जान गई हूँ सबके घर मरहम नहीं होते, मगर नमक हर एक के घर होता है, नमक हर एक के घर मिलता है। खामोश हूँ तेरा घमंड देखकर, खामोश हूँ मैं तेरा घमंड देखकर, लेकिन इतना मत उड़ ए घमंडी इंसान। जानता नहीं क्या, आसमान पर ठिकाने किसी के नहीं होते, जो ज़मीं के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। कुछ चीज़ों को देर तक स्टैंड बाई मोड पर नहीं छोड़ सकते, कुछ चीज़ों को देर तक स्टैंड बाई मोड पर नहीं छोड़ सकते। जानती हूँ एक दिन छोड़ देने पर वो खुद ही ऑफ हो जाएंगे, मैं जानती हूँ एक दिन छोड़ देने पर वो खुद ही ऑफ हो जाएंगे। रिश्ते उनमें सबसे पहले आते हैं, हमारे रिश्ते जो हैं उनमें सबसे पहले आते हैं। घमंड के साथ तेरा लिबास भी महंगा हुआ है, उधार का ना था। घमंड के साथ तेरा लिबास भी महंगा हुआ है, उधार का था ना। वरना आदमी तो तू आज भी दो कौड़ी का ही है। यही तेरी औकात है, इतना बेईमान होकर तू जिंदा कैसे है। हिसाब तो ये कहता है बेईमानी को अब तक मर ही जाना चाहिए था। गलत सिर्फ तू ही नहीं था जिसने धोखा दिया, थोड़े गलत तो हम भी थे जिसने खामोश रहकर तुझे मौका दिया, अब तो सोचते हैं ज़िंदगी गुजर गई सबको खुश रखने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे और जो अपने थे वो कभी भी खुश नहीं हुए। इसलिए आज भी खामोश हैं, लेकिन ये खामोशियाँ बेवजह नहीं हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।